बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नीलम गुलहान और आप रहें हमारे साथ हमारे गुल किचन में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है वेजिटेबल चिकन पास्ता। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से वेजिटेबल चिकन पास्ता बनाना सिखाती हूँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं जी। ये 1 kg पास्ता है और ये स्पाइरल पास्ता है, ठीक है। आज हम स्पाइरल पास्ता बना रहे हैं। तो पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था, पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया। अब इसमें मैं 1/2 tablespoon नमक ऐड करूंगी और साथ में इसके 1 teaspoon ऑयल डालूंगी। नमक इसलिए इसमें ऐड किया मैंने कि ये तो बेजायका होते हैं, नमक डालने से इसमें थोड़ा फ्लेवर आ जाता है और ऑयल से ये होता है कि ये आपस में चिपकते नहीं। और साथ में इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करूंगी इसलिए कि इनका कलर मजीद अच्छा हो जाए। ये तकरीबन 2 drops इसमें ऐड करूंगी। अब जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होता है, पानी गर्म हो चुका है, तो मैं पास्ता इसमें पानी में डाल दूंगी और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 मिनट आपने इन्हें बॉईल करना है, इसको चेक करना है। ये पक जाएंगे तो फिर आपने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के अच्छे तरह से इन्हें ठंडा करना है। अगर हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो ये गर्म होते हैं तो ये मजीद अपनी ही हीट में पक के बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, पानी में देखें उबाल आ गया और ये मैंने इसमें पास्ता ऐड कर दिया। अब मैंने आपको बाकी का सारा इसका प्रोसीजर बता दिया। अब इंशाल्लाह जैसे ही ये बॉईल होते हैं तो फिर मैंने ठंडा करके तो वहाँ से हम अपना नेक्स्ट जो है स्टेप को स्टार्ट करते हैं जी। पास्ता हमारे जो है स्पाइरल पास्ता बॉईल हो चुके हैं जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से, और ये देखें कितने अच्छे से बॉईल हुए हैं। ओवर बॉईल करने से ये टूट जाते हैं। इसके लिए मुझे चिकन चाहिए, चिकन ब्रेस्ट पीस है, ये 3 पाव है और इसके मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए। और इसके स्पाइसेस आपको बता, हाँ, 1 teaspoon लहसुन पाउडर, 1 teaspoon इसमें थाइम जाएगा, 1 teaspoon चिकन कनौर पाउडर और 1 tablespoon इसमें ब्राउन शुगर, 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, 1 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स और 1 teaspoon इसमें मस्टर्ड पाउडर, 1 tablespoon इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक है और गाजर इसमें 2 है, इसको मैंने कश कर लिया। आप क्यूब कटिंग कर लें, बारीक कटिंग कर लें, स्लाइस में कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। और टमाटर मैंने इसमें 2 ली हैं छोटे साइज के, उसकी मैंने क्यूब कटिंग कर ली है। शिमला मिर्च इसमें 3 अदद ली हैं, उसकी भी मैंने क्यूब कटिंग कर ली है। प्याज इसमें 2 ली हैं मीडियम साइज के, इसकी भी मैंने बारीक इन्हें मैंने चॉप कर लिया फाइन चॉप। 1/2 cup इसमें जाएगी चिली गार्लिक सॉस और 1/2 cup इसमें टमाटो केचप और इसमें ऑयस्टर सॉस जाएगी 1 tablespoon, सोया सॉस 1 tablespoon, सिरका इसमें 1 tablespoon और ऑयल हम इसमें पकाने के लिए यूज़ करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं 3 से 4 tablespoon ऑयल के ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें मैं और प्याज इसमें मैं अब डाल दूंगी। इसको फ्राई करेंगे हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई करेंगे प्याज। और आंच आपने जो है ना वो मीडियम रखना है, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखना। Thank you.
तकरीबन अब ये 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक ऐड कर दूंगी और इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये 1 मिनट हो गया हमें इसको फ्राई करते हुए अदरक। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूंगी अच्छी तरह से, इसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद हम इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई किया है। अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करके और इसमें तकरीबन 1/2 कप इसमें मैं पानी शामिल करता हूँ ताकि जो थोड़ी सी कसर रह गई है चिकन के पकने की वो हो जाए। ये मैं इसमें पानी ऐड करके और अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी। छह मिनट मुझे हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऑयस्टर सॉस डालूंगी। नमक मैंने इसमें इसलिए कम रखा था कि ऑयस्टर सॉस भी नमकीन होती है। ये 1 टेबल स्पून ऑयस्टर का इसमें जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूंगी सिरका और सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें सिरका जाएगा। और अब जो है इसे मैं मिक्स करके बस इसका थोड़ा सा ये मज़ीद पानी इसका ड्राई होता है तो फिर मैं इसमें शिमला, ये थोड़ा सा मैं फ्लेम इसका तेज करूंगी ताकि इसका ये पानी थोड़ा सा हमने ड्राई करना है। जी ये पानी इसका थोड़ा सा रह गया, ये ग्रेवी टाइप तकरीबन बन गया। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। और टमाटर के 1 मिनट के बाद मैं इसमें शिमला और गाजर ऐड करूंगी। फ्लेम मैंने थोड़ा तेज कर दी है। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूंगी और गाजर के 1 मिनट के बाद मैं इसमें शिमला ऐड कर दूंगी। हमने इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना और देखने बाद वो अच्छा। अब मैंने ये 1 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर डाला और 1/2 कप इसमें मैंने पानी शामिल किया। ये मैंने एक साइड पे रख दिया। अब मैं इसमें शिमला ऐड करूंगी इन्हें हमने लूज नहीं करना, इसी तरह से क्रंची क्रंची ही इन्हें रखना है। और तकरीबन शिमला के 30 सेकंड के बाद इसे 1 मिनट तक नहीं, इसके 30 सेकंड के बाद मैं इसमें सॉस ऐड कर दूंगी। ये देखिए इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस आपको ज्यादा स्पाइस पसंद हो तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं।
लगे तो आप इसमें फ्लोर चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, इस पॉइंट पे आपने नमक और मिर्च दोनों को टेस्ट कर लेना है और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें नमक और मिर्च डाल देना है। मैं इसमें ये कॉर्नफ्लोर ये मिक्स कर दूंगी। और साथ में ही अब मैं इसमें ये देखें, ये थिक हो गए, इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं चाहिए, इतना ही हमें चाहिए थिक। और अब मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूंगी, थोड़े थोड़े करके हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। वेजिटेबल चिकन पास्ता रेडी हो चुका है और ये मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।